दिल्ली से एक बड़ी खबर, प्रतिबंधित क्षेत्र में उड़ने पर ड्रोन को मार गिराने के आदेश। गृह मंत्रालय ने SOP लागू करी। इस बार स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए लाल किले के आसपास स्थित इमारतों पर ड्रोन व हल्के वाहनों को मार गिराने में माहिर सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएंगे। अगर कोई ड्रोन जैसी वस्तु संवेदनशील क्षेत्र के नजदीक उड़ती है तो उसे तुरंत गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। ड्रोन जैसी वस्तु संवेदनशील एरिए व उसके आसपास आती है तो उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए लाल झंडा लहराएं, उसे महत्वपूर्ण स्थान या फिर संवेदनशील क्षेत्र से सुरक्षित दूरी पर उतरने के संकेत दें। अगर वह निर्देशों का पालन नहीं करता है और भारतीय वायुसेना व वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देश लेने का समय नहीं है तो उसे सुरक्षा कर्मी उसे नष्ट करने के लिए गोली मार दें। इस बार स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए लाल किले के आसपास स्थित इमारतों पर ड्रोन व हल्के वाहनों को मार गिराने में माहिर सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएंगे। साथ ही यह कहा गया है कि ड्रोन व हल्के विमान उड़ने पर कंट्रोल रूम व जिला DCP के जरिए तुरंत वायुसेना को सूचना दें। गृह मंत्रालय ने जम्मू में हाल ही में ड्रोन हमले और प्रतिबंधित क्षेत्रों में ड्रोन के प्रवेश के कई मामले आने के बाद सभी सुरक्षा एजेंसियों को स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले ऐसे उड़ने वाली वस्तुओं के बारे में अतिरिक्त सतर्क रहने का निर्देश दिया है। गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है और उसका कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया है। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने लाल किले के आसपास की इमारतों की पहचान की है जहां लंबी दूरी के हथियारों से लैस पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे ताकि वे ड्रोन जैसी वस्तु को मार गिरा सकें। SOP में ये भी कहा गया है कि उत्तरी जिले के DCP जिनके अधिकार क्षेत्र में लाल किला पड़ता है ऐसी इमारतों की छतों की पहचान कर सकते हैं जहाँ से जिले को पूरा हवाई दृश्य देखा जा सकता है। इन छतों पर ड्रोन को गिराने में प्रशिक्षित पुलिस कर्मी तैनात किए जाएंगे। इन सुरक्षा जवानों को वायरलेस सेट, दूरबीन, स्टिक पर लगे लाल झंडे और लाउड हेलर से लैस किया जाएगा। SOP में कहा गया है कि प्रत्येक पहचाने गए रूप टॉर्च वॉचर के साथ एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित पुलिसकर्मी निशानेबाज होना चाहिए जो लंबी दूरी के हथियार से लैस हो, जो जरूरत पड़ने पर उड़ने वाली वस्तुओं को नीचे गिरा सके। खाली मैदानों में गश्त करने के निर्देश SOP में अन्य जिला DCP को कहा गया है कि खासकर ग्रामीण इलाकों में कम इस्तेमाल होने वाली सड़कों और पुलों के लंबे हिस्सों, बड़े मैदानों में पैरा मोटर्स को उड़ाने के ऐसे किसी भी प्रयास पर नजर रखने के लिए विशेष गश्त के निर्देश दिए गए हैं। DCP ने कहा है कि वह खुफिया तंत्र को भी अलर्ट करे। बीट कांस्टेबल को ऐसी वस्तुओं के बारे में उपयुक्त जानकारी भी दी जानी चाहिए जब वे इसे हवा में या महत्वपूर्ण प्रस्थानों संवेदनशील क्षेत्रों के पास देखते हैं तो इसे निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। SOP में यह भी कहा गया है कि सुरक्षा जवानों को छतों से नीचे गोली नहीं चलानी है, इससे लोगों के बड़े पैमाने पर घायल होने का डर रहेगा।